Listen, Tillu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive. सुनो टिल्लू, मैं एक ऐसे सरफेस पे काम करता हूँ जहाँ पर एक आम इंसान रहना या अपने आप को सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल है. बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, जहाँ पर हवा इतनी कम है, इतनी पतली है कि तुम ठीक से सांस भी नहीं ले सकते. एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, और जहाँ टेम्परेचर इतना कम है कि इंसान जो है ठंड से मर भी सकता है. बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? पर डैडी, आप कैसे फिर वहाँ पर सर्वाइव करते हो? आप कैसे अपने आप को सही बचा पाते हो? बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विच इज अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैं वहाँ पर पूरी तैयारी से जाता हूँ. मुझे एक ऐसा स्पेशल सूट पहनाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसमें ऑक्सीजन का प्रोविजन होता है ताकि हम ठीक से सांस ले सकें. आई कैन कीप वॉर्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइंड टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस. मैं अपने आप को वहाँ गर्म रख सकता हूँ. मेरे जो बूट्स हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि हम उस सरफेस पे आसानी से वॉक कर सकें. व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन्ड टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस. इसके अलावा तो मैं और क्या बताऊं कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है उस सरफेस पे काम करने के लिए और वहां पर अपने आप को जिंदा रखने की. देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली. एक समय था जब हमारे पुरखे आराम से उस सरफेस पे नेचुरल तरीके से रह लेते थे. इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स. और ऐसा नहीं है, उन्होंने कई मिलियन हजारों सालों तक जो है ऐसे ही वहाँ पर रहे. बट टाइम चेंज्ड, पर समय बदलता है. द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न्ड होस्टाइल. पर वही सूरज जिसकी वजह से वो वहाँ पर सस्टेन कर पा रहे थे, अब वो धीरे धीरे उनके लिए परेशानी का बनता जा रहा था. इट चेंज ओनली स्लाइटली बट द चेंज वॉज सफिशियंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट. हालांकि जो सूरज है उसमें बहुत हल्का चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज इतना था कि जो हमारी प्रकृति है इस धरती पर वो जो है उसको बिगाड़ सकती है, उसका बैलेंस खो सकती है. फर्स्ट द बर्ड्स बिकम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले तो बर्ड्स खत्म हो जाएगी. द एनिमल्स फॉलोड, इसके बाद एनिमल्स खत्म हो जाएंगे. द फिश कुडंट बेयर इट एनी मोर ईदर, यहाँ तक कि मछलियाँ भी पानी में अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाएंगी. वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ अवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी. और हम जो सर्वाइव कर पाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास एक तकनीक है जिसकी मदद से हम वहाँ जा पाते हैं. बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, पर हमारे को एक अंदर बंद होकर रहना पड़ता है जहाँ पर हमें नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तभी हम अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशियंट पावर टू मेक अवर लाइफ कम्फर्टेबल. और एक तरह से हम सोलर एनर्जी का धन्यवाद करेंगे कि जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी पावर जनरेट कर ली जाती है कि हम आसानी से उस सरफेस पर रह पाते हैं. बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन अ गुड वर्किंग कंडीशन. लेकिन जो मशीन्स यहाँ पर हैं उनको हमेशा अच्छे कंडीशन में काम करना ज़रूरी है, तभी ये पॉसिबल है. सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, कुछ यहाँ सरफेस पे हैं. आई बिलोंग टू द टीम वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम. और मैं यहाँ पर उस टीम में हूँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा ध्यान रखो और अगर कोई मशीन में गड़बड़ हो तो उसकी सर्विसिंग कर दो.
डैडी, कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? क्या मैं इस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँ? ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू, सेड हिज फादर। क्यों नहीं, ज़रूर, अगर तुम चाहो तो। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना पड़ेगा और वही करना होगा जैसा तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, और ये बात उनकी मदर ने टिल्लू से कही। नेक्स्ट डे टिल्लू फादर वेंट टू वर्क। ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट डे जब टिल्लू के फादर काम पर गए तो उन्होंने देखा कंट्रोल रूम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, और सारे लोग जो हैं एक बड़ी टीवी स्क्रीन के सामने जमा थे। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, और वहाँ पर जो है पीछे कुछ नहीं था लेकिन उस स्क्रीन में एक डॉट दिख रहा था। इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन। ये स्टार तो नहीं है क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। अब कंप्यूटर हैज गिवन अ ट्रैजेक्टरी फॉर दिस थिंग, इट्स हेडिंग टूवर्ड अस, द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड। ये जो कंप्यूटर है ये एक सिग्नल दिखा रहा है कि ये कोई थिंग है और ये हमारी तरफ आ रही है। जो सुपरवाइजर थे लास्ट शिफ्ट के, उन्होंने बताया। अ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लू फादर आस्क्ड, क्या ये कोई स्पेस क्राफ्ट है? बाय नाउ ही वॉज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। अब जो टिल्लू के फादर थे वो नई शिफ्ट में आ चुके थे अपने टीममेट्स के साथ। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, लगता है पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या है। अ स्पेस क्राफ्ट, वेयर फ्रॉम? स्पेस क्राफ्ट कहाँ से? द सोलर सिस्टम वॉजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनी वेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट। जो सोलर सिस्टम है उसे ही पता है कि पूरे कहीं पर भी और लाइफ नहीं है सिवाय उनके प्लैनेट के। टिल्लूज फादर रिकॉल द एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्चिव्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम। टिल्लू के फादर जो हैं पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि कैसे सेंट्रल ब्यूरो के आर्चिव में उनके फोर फादर्स या एंसेस्टर्स ने एक पूरा तरह से स्पेस प्रोग्राम डेवलप किया था एंड हैड सर्च्ड द सोलर सिस्टम विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट, और यहाँ तक कि उन्होंने सर्च भी किया था सोलर सिस्टम, चाहे वो ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट से हो या अन ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट से, एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन, और तब ये पाया था कि वो सबके सब अकेले हैं। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, पर आज की दिनों में जब एनर्जी की कमी है, लाइफ अंडरग्राउंड है, तब ऐसा कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट। हु वर दी स्ट्रेंजर्स? हम खाली अपने जो पॉइंट है जहाँ पर हम काम करते हैं वहीं से हम उस चीज़ को देख सकते हैं, पर ये स्ट्रेंजर्स कौन है? द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी। जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का वो इतना शांत था कि कोई अगर बाहर से आए तो उसे लगेगा कि अंदर कोई है ही नहीं। फार फ्रॉम इट, इट वॉज फुल टू कैपेसिटी बट द मेम्बर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वर अनयूजुअली क्वाइट। दूर से तो ऐसा लगता था लेकिन पूरी तरह से सबके सब जो मेंबर्स थे सेंट्रल कमिटी के वो भरे हुए थे उसके अंदर, लेकिन सब चुप थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट, और सबको पता था कि अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं।